हेलो दोस्तों, मैं फिर से स्वागत करता हूँ अपने न्यू वीडियो पर, जिसमें आपको बताऊंगा ओप्पो रिनो 4 प्रो जो कि MS धोनी का मोबाइल है, उसमें मैं उसका स्पेसिफिकेशन आप सब कुछ इसी वीडियो में बताऊंगा दोस्तों, अब और कैसा है उसका खासियत मोबाइल का और कैसा दिखने में है मोबाइल, सब कुछ इसी वीडियो में आपको बताऊंगा प्रूफ के साथ। इसीलिए आपको पहले अपना मेरा चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहले है, क्योंकि मेरा जो चैनल है इसमें मैं टेक रिलेटेड वीडियो बहुत सारे छोड़ता हूँ और इसमें आपको बहुत सारे जो कि आइडिया और टैलेंट मिलेंगे और आप कुछ भी उसमें करके सक्षम हो पाएंगे। तो चलिए चलते हैं वीडियो की टॉपिक की तरफ दोस्तों। टॉपिक है ओप्पो रेनो 4 जो प्रो है, MS धोनी का क्या है उसमें स्पेसिफिकेशन। तो आप यहाँ पर साइड पे इमेज देख रहे हैं, पहले मैं आपको इमेज बता देता हूँ दोस्तों, इमेज कैसा हुआ यहाँ पर देखिए, इमेज मैं आपको बता रहा हूँ, इमेज पर आपको देखिए, वहाँ पर साइड पर देखिए MS धोनी लिखा हुआ है, MS धोनी लिखा हुआ है, जैसे कि आपको वो कैमरे के नीचे बहुत डिजाइन से वो देखने को मिलेगा, जैसे कि आपको जो कैमरा है वहाँ पर नीचे पर आपको MS धोनी का फोटो है बहुत अच्छे दिख रहा होगा देखने पर। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसका जो चार कैमरा मिलते हैं दोस्तों और बहुत सारे हैं इसको देखने को मिल, सबसे अच्छा लगा जो कि उसका चार्जर है 65 वाट जो कि बहुत ज़्यादा है दोस्तों। हम आप सभी ने देखा होगा कि बहुत से चार्जर होता है 18 वाट, 20 वाट, 25 वाट, पर ये 65 वाट है और बहुत ज़्यादा है दोस्तों 65 वाट। और इसको चार्ज होने पे केवल आपको 36 मिनट लगेंगे दोस्तों, 36 मिनट मतलब बहुत सारे कम, आधे घंटे से थोड़ा ही ज़्यादा, थोड़े 5 मिनट ज़्यादा, बहुत बहुत आपको फुल बार आपका जो कंप्लीट हो जाएगा मतलब चार्जिंग फुल हो जाएगा दोस्तों आप मोबाइल का। और इसमें आपको और मैं आपको स्पेसिफिकेशन बता देता हूँ जो कि आप यहाँ पर उसका जो जो होगा जो प्रोसेसर जो बैटरी बैटरी दोस्तों आपको बहुत खास देखने को मिलेगा जो कि लिथियम का है। और यहाँ पर जो कि इसका वेट वेट दोस्तों बहुत मेंटेन करता है कि कितना वेट है इसका, 161 दोस्तों, सॉरी 161 ग्राम है दोस्तों इसका वेट, और ये वेट बहुत कम है दोस्तों। यहाँ पर नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं कि इसका स्टोरेज या मेमोरी कितना है दोस्तों। यहाँ पर आपको स्टोरेज देखने को मिलेगा 8 GB रैम और 128 रोम, मतलब 8 GB रोम, 128 आपको रोम देखने को मिल जाएगा और बहुत ज़्यादा है दोस्तों यहाँ पर देखने पर। और इसका जो मेमोरी होगा एक्सपेंडर होगा क्लास 10 का जो एक्सपेंडर होगा, आप बहुत ज़्यादा ही उसमें भर सकते हैं आप दोस्तों कुछ भी। और यहाँ पर इस दुकान मैं आपको यहाँ पर बाकी सब कुछ बता देता हूँ जो कि इस पे जो गोरिल्ला ग्लास का पाइप है जो कि उसका प्रोटेक्ट करने के लिए स्क्रीन पे आपको कवर आपको गोरिल्ला ग्लास का पाइप दिखेगा। और यहाँ पर उसका जो कैमरा का साइज है दोस्तों, कैमरा मैं बता देता हूँ जो कि आगे का कैमरा होगा दोस्तों वो होगा 32 मेगापिक्सल दोस्तों, सेल्फी कैमरा जो कि होगा 32 मेगापिक्सल दोस्तों। और यहाँ पर देखिए मेन कैमरा होगा 48 जो कि पीछे आपको चार कैमरा दिखाई दे रहा होगा, एक है 48 मेगापिक्सल, दूसरा है 8 मेगापिक्सल और नीचे दोनों वाला है 22 मेगापिक्सल दोस्तों। और ये मेगापिक्सल बहुत ज़्यादा है दोस्तों इस मोबाइल पे। यहाँ पर आपको यहाँ पर स्लो मोशन का भी आप यहाँ पर जो कि वीडियो आपको रिकॉर्ड कर सकते हो, यहाँ पर जो कि स्नैपड्रैगन का यहाँ पर स्नैपड्रैगन SDN720G जो कि आई क्वालकॉम आई का जो कि प्रोसेसर है और बहुत ज़्यादा है दोस्तों यहाँ पर बैटरी। आप मैंने आपको बैटरी कहा था, बैटरी 4000 mAh का है बैटरी, 4000 दोस्तों बहुत कम है, मतलब बहुत आपको बहुत फायदेमंद होगा दोस्तों इसमें, क्योंकि 4000 mAh बैटरी भी बहुत होते हैं दोस्तों। और इसका चार्जर तो बहुत फास्ट होगा, आपको आधे घंटे के अंदर फुल चार्ज आपको हो जाएगा और आप इससे अनलिमिटेड चार्ज कर सकते हैं दोस्तों। तो मैं कुछ ज़्यादा नहीं बताऊंगा, तो इसी वीडियो में इस मोबाइल के बारे में आपको मैं सब कुछ बता दे चुका हूँ, क्योंकि बहुत लोग सारे कन्फ्यूज थे इस मोबाइल का क्या है क्वालिटी, MS धोनी क्यों लॉन्च किया, जो कि एम्बेसिडर है अब MS धोनी अब ओप्पो रेनो 4 प्रो का, तो इसीलिए वो अपना जो मोबाइल है लॉन्च करने हैं कर रहे हैं। तो इसी वीडियो में इतना है दोस्तों, वीडियो आपको अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कर दीजिए, और फिर से मैं कहता हूँ कि अभी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों।